नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि 79 पदों पर कांकेर में भर्ती होने वाली, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों इससे पहले कि आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होते ही बेल के आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको रोजगार और शिक्षा से जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत सारा सवाल आ रहा था कि आप आवेदन कब से आएगा और इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके पूछा था और मैंने हर कमेंट्स का जवाब बिल्कुल दिया हूँ। और इस प्रकार से चलिए आज का 79 पदों पर जो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भर्ती कांकेर में आ चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 31/8/2020 को है, तो आप लोग तत्काल जल्दी से कर लीजिए। अगर आप शैक्षिक योग्यता में आप इसका अर्हता पूरा कर लेते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर से जरूर भरिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों आप शुरू कर लेते हैं। 79 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जहां पर मैं बता दूं कि ये भर्ती जो है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर के द्वारा निकाली गई है और स्टाफ नर्स के टोटल 50 पद है, लैब टेक्नीशियन के 15 पद है, फार्मासिस्ट के 8 पद है, ड्रेसर के लिए 6 पद यहां पर सामने निकल के आया है। इस प्रकार से अगर बात करें तो पदों की संख्या कुल 79 पद सामने निकल के आया है। अगर नौकरी का स्थान बोले तो छत्तीसगढ़ में आपकी नौकरी रहने वाली है। अगर वेतनमान की बात करें तो सभी पदों के लिए वेतनमान अलग अलग होने वाला है, लेकिन वेतनमान यहां पर बता दूं कि 14,000, 15,000 और 16,500 रुपया रहने वाला है। यहां पर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता सभी के लिए अलग अलग है, लेकिन फिलहाल इस कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर भर्ती रोजगार अधिसूचना का आवेदन करने के लिए आवेदन की शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड विश्वविद्यालय से 12वीं पास एवं डिप्लोमा स्नातक बीएससी नर्सिंग जीएनएम फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर कांकेर रिक्वायरमेंट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मैं अभी नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। इस प्रकार से ये तो रहा शैक्षिक योग्यता। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा क्या होने वाली है। तो यहाँ पर आयु सीमा जो है CMHO कांकेर स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट 2020 रोजगार सूचना व आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, परंतु 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये आयु सीमा हो जाती है। आवेदन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आवेदन कैसे करना है इसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आवेदन जो है पूर्ण रूप से आपको ऑफलाइन आवेदन किया जाना है। आवेदन करने से संबंधित मैं अभी नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी और अधिक से अधिक देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए ताकि जानकारी हो, आपको स्पष्ट रूप से पता चल सके। तो आप आवेदन जो है आप ऑफलाइन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 12 अगस्त 2020 से शुरू हो चुकी है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, जैसे मैंने बताया, 31/8/2020 को इसका अंतिम तिथि जो है 31 अगस्त 2020 को है। अगर शुल्क की बात करें तो चलिए शुल्क के बारे में हम अभी फिलहाल नोटिफिकेशन पर बात करेंगे। तो यहाँ पर चयन कैसे होगा इस पर जरूर जानकारी ले लेते हैं, फिर बाद में हमें नोटिफिकेशन में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो चयन जो है इस कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर भर्ती सरकारी नौकरी पर लिखित परीक्षा या अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के सटीक जानकारी के लिए मैं अभी फिर इसके बारे में कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी जो हूँ मैं दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बस्तर कांकेर की वेबसाइट में मैं विजिट हुआ हूँ। इसका आप लिंक देखेंगे, यहाँ पर इसका वेबसाइट आपको लोगों को दिखाई दे रहा होगा, kanker.gov.in करेंगे और सीधा आप सर्च करेंगे तो इस साइट पर पहुंच जाएंगे। और आप आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस दिखा रहा है, नोटिस में आएंगे और रिक्वायरमेंट को दबाएंगे तो ये वाला पेज जो है आपके पास सामने खुल के आ जाएगा। इसका जो पहला नंबर का जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर अगर देखें तो यही जो है स्टार्ट डेट 11/8/2020 लिख के आ रहा है और एंड डेट लिख रहा है, अंतिम तिथि 31/9/2020 को बता रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हमने डाउनलोड करके रखा है तो चलिए हम यहाँ पर डाउनलोड को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसका जो सामने निकल के आ जाता है, तो चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लिया हूँ और इसके नोटिफिकेशन पर बात कर लेते हैं कि वास्तविक इसका एसटी एससी क्राइटेरिया में कितने पर निकल के सामने आया हुआ है।
तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर कुछ वेबसाइट में कुछ गलत प्रकाशन हुआ है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 31/9/2020 को आखिरी बता रहा है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन में 31/8/2020 समय 5:30 बजे तक कार्यालयीन समय के केवल पंजीकृत आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। तो आपको इसको पंजीकृत डाक के माध्यम से या स्पीड पोस्ट जरूर कर लीजिएगा 31/8/2020 को, न कि आपको 30/9/2020 को करना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक मुझे जरूर लग रहा है, तो आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं स्पष्ट रूप से 31/8/2020 को समय 5:30 बजे तक आप स्पीच पोस्ट के माध्यम से जरूर भेजिएगा। उस समय का इंतजार मत करिए, नहीं तो चूक सकते हैं आप। तो यहाँ पर निकल के आया है पहला पोस्ट जो है स्टाफ नर्स के लिए, जहाँ पर टोटल 50 पद है और ST के लिए 28 है, SC के लिए 2, OBC के लिए 7 है और UR के लिए आपके लिए 13 पद है। और यहाँ पर BSc नर्सिंग और GNM कोर्स होना अनिवार्य है और आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड मेडिकल मेडिकल बोर्ड में आपका पंजीयन भी होना अनिवार्य है। 16,500 रुपये मासिक वेतनमान आपको मिलने वाला है। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर टोटल 15 पोस्ट है, ST के लिए 8 है, SC के लिए 1 है और OBC के लिए 2 और जनरल कोटा के लिए आपके लिए 4 पद निकल के सामने आया हुआ है। यहाँ पर 10वीं के साथ साथ DMLT कोर्स भी होना अनिवार्य है और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ मेडिकल बोर्ड में आपका भी पंजीयन होना अनिवार्य है। सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 15,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। फार्मासिस्ट की बात करें तो यहाँ पर 8 पद है, जहाँ पर ST के लिए 5 है और OBC के लिए 1 है और जनरल के लिए 2 है और यहाँ पर SC के लिए कोई भी पद नहीं है। तो यहाँ पर बी फार्मा एम फार्मा आदि होना अनिवार्य है और साथ में आपका भी मेडिकल बोर्ड में पंजीयन होना चाहिए। सैलरी देखें तो 15,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। ड्रेसर की बात करें तो यहाँ पर टोटल 6 पद है, जहाँ पर ST के लिए 3 पद है, SC के लिए कोई पद नहीं है, OBC के लिए 1 पद है और जनरल के लिए 2 पद है और यहाँ पर 10वीं पास होना अनिवार्य है। ड्रेसर पैरामेडिकल कोर्स भी होना चाहिए और साथ में छत्तीसगढ़ बोर्ड मेडिकल बोर्ड से आपका भी पंजीयन होना अनिवार्य है और 14,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर संविदा के नियुक्ति के चयन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि www.concare.gov.in पर इसका सूचना पटल में लिख दिया गया है। आप सीधा 31/8/2020 को संध्या 5 बजे तक आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। बाद में अगर करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप ही की होगी और यहाँ पर कांकेर जिला के मूल निवासियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु कांकेर जिले से पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में बस्तर संभाग के अन्य जिले के उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता जिस स्थान से प्राप्त है उस स्थान का UGC, AICTE एवं संबंधित काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो ये तो रही महत्वपूर्ण जो छोटी छोटी बातें हैं उसके बारे में हमने बता दिया और आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप शैक्षिक योग्यता का चयन प्रक्रिया इस प्रकार से होने वाला है। शैक्षिक योग्यता 70% हो अंक मिल जाएगा और लिखित परीक्षा में 30 अंक मिलेंगे तो इस प्रकार से मेरिट की सूची निकल जाएगी। तो आप अवश्य रूप से ये फॉर्म को भरना ना भूलिएगा। और चलिए मैं यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप, बहुत लोग मुझे कमेंट्स करके ये भी पूछ रहे थे कि सर फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो चलिए मैंने जितने भी अभी तक का जितना भी वीडियो अपलोड किया है उसका फॉर्म मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूँ और इसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप ये फॉर्म को निकाल लीजिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसे डाउनलोड कर लीजिए और किसी दुकान पे जाके या तो फिर स्वयं का अगर प्रिंटर होगा तो आप यहाँ खुद से भी निकाल सकते हैं और ये फॉर्म भर सकते हैं या तो फिर उनके वेबसाइट पर भी जाके निकाल सकते हैं। ये फॉर्म आपको भरना होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर आवेदित पद का नाम, विज्ञापन क्रमांक। तो विज्ञापन क्रमांक और दिनांक में बहुत लोग, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ तो इसको भी थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर विज्ञापन क्रमांक और दिनांक यहाँ पर आपको ये लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया आपका विज्ञापन का क्रमांक हो गया 448 और विज्ञापन का दिनांक जो है 11/8/2020 आपको लिख देना है। तो दोस्तों ये तो रहा इस प्रकार से पूरा फॉर्म आपको फिलअप करके जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके आपको ये फॉर्म को भर लेना है, फिलअप कर लेना है। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ जाता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपका सहयोग करने के लिए तत्पर रहूंगा। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो दोस्त अगर इस क्वालिफिकेशन को किए हैं तो उनके पास ये वीडियो को शेयर करना न भूले। और चलिएगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।